पहाड़ी प्रदेश हिमाचल का नाम जब भी आता है, इसके निर्माता डॉक्टर यशवंत सिंह परमार का नाम भी जहन में आता है। डॉक्टर परमार का जन्म 4 अगस्त 1906 को सिरमौर रियासत के महाराज के सचिव शिवानंद सिंह के घर हुआ था। गृह क्षेत्र में प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण करने के बाद नाहन से 10वीं की शिक्षा प्राप्त की। तत्पश्चात लाहौर से बीए की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद लखनऊ विश्वविद्यालय से एलएलबी की डिग्री हासिल की। द सोशल एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ द हिमालय पोलेंड्री विषय पर पीएचडी की। इसके बाद सिरमौर रियासत के न्यायाधीश नियुक्त हुए, लेकिन किसी विवाद के चलते उन्हें पद से त्याग पत्र देना पड़ा और लाहौर चले गए। वहां भी मानना लगा और स्वतंत्रता आंदोलन में 1939 को शिमला में हिल स्टेटस प्रजामंडल के गठन के बाद सक्रियता से जुड़े और प्रजामंडल आंदोलन को नई दिशा प्रदान की। डॉक्टर परमार को पहाड़ी एवं पहाड़ के लोगों से विशेष लगाव रहा। 15 अगस्त 1947 को आखिरकार भारत देश आजाद हुआ, लेकिन पहाड़ी रियासतों का वजूद कायम रहा। डॉक्टर परमार के अथक प्रयासों से 15 अप्रैल 1948 को 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर हिमाचल को चीफ कमिश्नर का दर्जा प्रदान किया गया। लेकिन डॉक्टर परमार इससे संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि वे हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाना चाहते थे। सन 1952 में प्रदेश का पहला चुनाव हुआ और डॉक्टर परमार प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने। 1963 से जनवरी 1977 तक भी डॉक्टर परमार हिमाचल के मुख्यमंत्री रहे। पूर्ण राज्य के लिए डॉक्टर परमार का संघर्ष निरंतर जारी रहा। लोक शासन के पश्चात भाषाई आधार पर सन 1965 में पंजाब के पुनर्गठन का सवाल उठ खड़ा हुआ और हिमाचल प्रदेश सरकार ने भारत सरकार द्वारा गठित पंजाब राज्य पुनर्गठन में विशाल हिमाचल का मसौदा भेजा। अतः भारत सरकार ने पंजाब स्टेट ऑर्गेनाइजेशन कमीशन की सिफारिश पर पंजाब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1965 संसद में प्रस्तुत किया। नवंबर 1966 में कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति, शिमला, नालागढ़, कंडाघाट, ऊना, डलहौजी आदि क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में मिला लिए गए। परिणाम स्वरूप 55,673 किलोमीटर क्षेत्र तथा 28,12,463 जनसंख्या के साथ विशाल हिमाचल बना। फरवरी 1967 में प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने का वायदा किया। 24 जनवरी 1968 को हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पेश किया और डॉक्टर परमार के नेतृत्व में हिमाचल की सरकार ने पूर्ण राज्य की मांग केंद्र के समक्ष उठाई। तत्पश्चात 18 दिसंबर 1970 में स्टेट ऑफ हिमाचल एक्ट 1971 पेश कर पारित किया गया। 25 जनवरी 1971 को आखिरकार वह स्वर्णिम अवसर आ पहुंचा जब तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने भारी बर्फबारी के बीच रिज मैदान से भारी जनसमूह की उपस्थिति में हिमाचल के पूर्ण राज्य की घोषणा की। आप सबको, आपके प्रांत को मैं अपनी शुभकामनाएं देती हूँ और आशीर्वाद देती हूँ। जय हिंद। पहाड़ी रियासतों को पहाड़ी प्रदेश बनाकर डॉक्टर परमार ने विकास की नई इबाद लिखी। डॉक्टर परमार का मानना था कि सड़कें हमारे पहाड़ी प्रदेश की भाग्य रेखाएं हैं। साथ ही उन्होंने शिक्षा व बागवानी पर भी जोर दिया और पहाड़ी प्रदेश हिमाचल को विकास की नई राह दिखाई। प्रदेश का पूरा दर्जा मिलने से राज्य सरकार को जो जिम्मेदारी उसके ऊपर है उसको पूरा करने में बड़ी मदद मिलेगी। एक तरफ हर रोज भारतीय सरकार के पास हर मंजूरी के लिए नहीं आना होगा। दूसरे जो टेरिटरी होते हुए कर्जा लेने की दिक्कत होती है उससे दूर होकर कर्जा लेने में अपने तरह से सुविधा होगी और जितने विकास के काम हैं जिन्हें रुपया चाहिए वो लेने में मदद मिलेगी। तीसरे सरकारी कर्मचारी भी जो परेशानी में रहते हैं जिनकी समस्याएं हल होने में बड़ा समय लगता है अभी वो हल हो जाएगी। और चौथे योजनाएं में जो प्राथमिकता मिलनी चाहिए देश के हालात के मुताबिक उनको देने में मदद मिलेगी और इसलिए जो विकास की गति है वो तीव्र हो सकेगी और जो आय के साधन हैं बिजली आदि पैदा करने की उनमें से बड़ी मदद मिलेगी, क्योंकि बिजली अकेले से ही 85 लाख किलोवाट बिजली पैदा हो सकती है जिससे 260 करोड़ रुपया साल की आय हो सकती है। सादा रहन सहन, मृदुभाषी, मिलनसार एवं दूरदर्शी
डॉक्टर परमार राजनीतिक जीवन में भी सौम्य, पारदर्शी एवं दूरदर्शी रहे। ब्यूरो रिपोर्ट।